नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चार बात का वर्णन है, जिसकी किसी को भी भनक लग गई तो समझो वो तो गया। यह कलयुग है, लोग बैठे हैं इस ताक में हैं कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाए, कैसे दूसरे की टांग खींची जाए, कैसे दूसरे को पछाड़ा जाए। और लोगों की इसी ईर्ष्या का शिकार होता है एक भोला भाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसका कोई कसूर नहीं है, जो सच्चा है, जो सीधा है। बस यही सीधापन उसको मार रहा है, यही सीधापन उसको नीचे की ओर ले जा रहा है। आप किसी को अपना राज बता दो और दूसरे से कह दो किसी को मत बताना, तो बस अब वह राज राज नहीं रहेगा, वह अखबार की खबर बन जाएगा। पर अपनी कौन सी बात है जो किसी को नहीं बतानी, यह इस वीडियो से जानेंगे। असल में ऊपर उठने के दो तरीके होते हैं, पहला खुद मेहनत करो और दूसरे से आगे निकल जाओ। यह तरीका है जो सही और सच्ची सोच रखने वाला व्यक्ति अपनाता है। पर दूसरा सच यह भी है, कलयुग में ऐसे सच्ची और अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति बिल्कुल ही कम है। बस कह लीजिए आटे में नमक के बराबर है। दुनिया भरी पड़ी है दोस्तों दूसरे प्रकार के लोगों से, दूसरे प्रकार के लोग जो खुद तो कुछ करते नहीं पर दूसरों को नीचे दिखाने में तुले पड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है दुनिया नीचे गिराकर उनका कद बढ़ जाएगा। जितना हो सके बचो ऐसे लोगों से। तो आज हम आपको चाणक्य नीति से को चार बातें बताएंगे, जिसके आप जिंदगी में चार बातें अगर किसी को पता लग गई तो समझ लो आपके इस राज का फायदा जरूर उठाएगा। इसलिए अपने नजदीक से नजदीक व्यक्ति को भी आपकी ये राज किसी भी कीमत पर नहीं पता चलनी चाहिए। बस गांठ बांध लो, मैं मर जाऊंगा पर अपनी ये चार बातें मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। तो जानते हैं क्या ये चार बातें। हम लोग अक्सर दोस्तों से अपने दुख की बातें करते हैं, यार आज मेरे को मेरे पिताजी ने बिना बात के डांट दिया। पर सच तो यह है मेरे दोस्त, दुख का कोई खरीदार नहीं होता। इसलिए अपने आंसू बचा कर रखो, दुखी व्यक्ति से हर कोई किनारा कर लेता है। दुखों को जग जाहिर ना करो, मत रो दूसरे के सामने, कोई नहीं समझेगा तुम्हारे आंसुओं की कीमत, बल्कि पीठ पीछे यह दुनिया तुम पर हंसेगी ही। यह दुनिया केवल चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करती है, इसलिए अपने दुखरे हर किसी के सामने मत रो। यही है पहली चीज जो तुमको हर किसी से छुपा कर रखनी है, अपने दुख। जीवन में कई बार हमारा मजाक बन जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहां पर लोग हम पर हंस देते हैं। एक भोला व्यक्ति अपना दुखड़ा रोने के लिए किसी से यह बात कह देता है, शेयर कर देता है, सोचता है चलो मन हल्का होगा। पर सच तो यह है समय आने पर वह व्यक्ति जिसके सामने आपने अपने दुखड़े रोए थे वही आपका मजाक उड़ाएगा और कहेगा अरे जा तू तो है ही जोकर। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा ही अगर तुम्हारा अपमान कभी हुआ है तो उसको किसी के सामने मत बताओ। दोस्तों हमारी जिंदगी में अच्छा और बुरा समय आता ही है, कई बार ऐसा समय भी आता है व्यापार में घाटा हुआ और किसी के कारण से किसी हमें धन की हानि होती है तो हम यह रोना लेकर दूसरों को बताते हैं। पर सच जानिए कोई भी हमारे आंसू पोंछने के लिए हमारी मदद करने आगे नहीं आता, लोग तो बस मजाक उड़ाते हैं। लोगों को लगता है इसके पास पैसे नहीं है तो यह कमजोर हो गया और इसी का लोग फायदा उठाते हैं या मजाक बनाते हैं। इसलिए आश्चर्यजनक कहा है कि धन की हानि के बारे में किसी को ना बताओ। दोस्तों हर घर में कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे घर के राज होती हैं, इनको एक व्यक्ति को किसी भी कीमत पर जग जाहिर नहीं होने देना चाहिए। लोगों को मत बताओ कि जोर मेरी पत्नी बहुत ही सेल है या कल हमारा झगड़ा हुआ था। लोगों को मत बताओ कि मेरा बेटा नालायक है, लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसेंगे। तो दोस्तों ये थी वह चार बातें जो आपको किसी भी कीमत पर सबसे छुपा कर रखनी है, किसी भी कीमत पर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।